हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये रुबीना दिलाइक का इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इसमें उन्होंने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सुंदर सा मेकअप किया हुआ है, जो कि नो मेकअप मेकअप लुक लग रहा है। इसलिए मुझे ये लुक बहुत पसंद आया और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कुछ ही स्टेप इसमें फॉलो करके आप सुंदर सा नेचुरल सा लुक पा सकते हैं। तो मैंने इस लुक को स्टेप बाई स्टेप बताया है, तो चलिए वीडियो में आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने जो लुक क्रिएट किया है वो ये वाला लुक क्रिएट किया है, जो कि अभी आप देख भी सकते हैं। ये जो पिक्चर में जैसा दिख रहा है, मैंने कुछ कुछ वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद साथ आए। ये रुबीना दिलाइक का इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मैंने अभी अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अपने आई मेकअप से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं ये व्हाइट कलर पिक करूंगी। देन मैं मेकअप रेवलेशन के पैलेट ये पिंक कलर पिक करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा कलर लेके आपको अपनी क्रीज लाइन से ब्लेंड करना है। देन मैं ये व्हाइट मैट कलर पिक करूंगी। देन अपनी इस एरिया पे प्लेस करूंगी। देन आपको अभी क्या करना है, ये जो सिमर शेड है इसमें, इसको पिक करके ये जो व्हाइट मैट कलर आपने प्लेस किया है, वहीं पर आपको उसके ऊपर ही इस कलर को प्लेस करना है। ये नो मेकअप मेकअप लुक की तरह है, देखने में बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आपको इस टाइप के ब्रश से इनर कॉर्नर पर ये कलर प्लेस करना है। यही जो इस पैलेट में कलर दिया गया है, ये जो सिमर शेड है ना, ये आपको अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करना है। देन अभी मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ सेम पैलेट से। आई मेकअप में उन्होंने पतला सा लाइनर भी लगाया है। अभी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं एक इस प्रूफ का ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ।
गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच.